If you like my channel, please subscribe it and also press the bell icon for latest updates. हमारी हालत जो है ना बंदरों की जैसी हुई है यहाँ पर मिट्टी उठने की वजह से। गद्दों गुबार की वजह से हमारी हालत तो पतली थी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ मामलात ऐसे थे जिनको देखकर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा धचका लगा, जिसमें आवाम जो थी जो सफ़र कर रहे थे लोग ओवरलोडेड होने की वजह से और सीटें कम होने की वजह से लोग ज़मीन पर बैठकर सफ़र कर रहे थे, जिनमें औरतें बच्चे बूढ़े और कुछ बीमार लोग भी थे जिन्हें मजबूरन ज़मीन पर बैठकर सफ़र करना पड़ रहा था। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी मेरे लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम सफ़र कर रहा था, तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस जो था या इस लिहाज से थोड़ा बैड भी था कि हमारे यहाँ पर जो है सर्विस का फुकदान इतना है, इतनी कम सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि गरीब लोग जो हैं जो इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते हैं उनको ज़मीन पर लेटकर सफ़र करना पड़ता है या सारी रात बैठकर सफ़र करना पड़ता है। 22 घंटे का सफ़र है। आप ये बताएं कि इस 22 घंटे के सफ़र को किस तरह आप ज़मीन पर बैठ कर या लेट कर गुजार सकते हैं। तो हमारी हुकूमत को इस हवाले से कुछ सोचना चाहिए कि या तो इकोनॉमी क्लास की सीटें जो हैं वो बढ़ा दी जाएँ, या फिर तमाम लोगों को सीटें जो है वो प्रोवाइड की जाएं और गाड़ी को ओवरलोड ना किया जाए। जितनी गाड़ी में कैपेसिटी है सीटों की उतने ही लोगों को गाड़ी में बिठाया जाए, ताकि जो ये लोग अब रास्ते में बैठे हैं यहाँ से गुजरने के लिए भी रास्ता नहीं है। नज़र आ रहा होगा आपको कि लोग जो है रास्ते के अंदर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और जगह कम होने की वजह से लोग जो है बड़ी मुश्किल का सामना है यहाँ पर। ये ट्रेन का जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ख़वातीन भी लेटी हुई हैं, बच्चे भी लेटे हुए हैं, तो ये काफ़ी जो है अजीब सी सिचुएशन नज़र आती है। हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जाते नज़र आते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक गंदे फ्लोर पर नीचे लेट कर जाना कितना अजीब हो सकता है एक आम आदमी के लिए। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को देखा था जो बिल्कुल ज़्यादा बीमार थे, वो नीचे लेट भी नहीं सकते थे। तो उनके लिए ये सफ़र जो है किसी अजाब से कम नहीं होगा, क्योंकि एक बीमार बंदा जो है वो पहले ही अपनी बीमारी से जूझ रहा है, ऊपर से उसको ज़मीन पर लेट कर जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अजियत का मामला है। तो ये चीज़ें जो हैं हुकूमत वक्त के जो है नोटिस में आनी चाहिए, उनको ये चीज़ें दिखनी चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि आवाम किन मुश्किलात का सामना कर रही है। अब आप जब यहाँ से किसी भी वॉशरूम जाना है आपने या आपने कहीं भी जाना है, तो इतने सारे लोग आपके सामने लेटे हुए हैं, तो आपको इनको सबको क्रॉस करके ऊपर से इनके ऊपर से फलांग कर जाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव किस्म की ये सिचुएशन है। पता नहीं अब हुकूमत वक्त इस पर क्या अमल करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरी एक बात है।